कैसे आप? मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मुझे आपके सामने आने का मौका मिला, क्योंकि यूपीटेट की परीक्षाओं में मैं भी व्यस्त था और कहीं ना कहीं आप लोग भी व्यस्त थे। दोस्तों, बहुत सारे लोग लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। उनकी यह समस्या है कि उनकी मार्कशीट भरते समय उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में कहीं मिस्टेक हो गई है या कहीं गोला डबल हो गया है। तो पहले मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि मैंने इसलिए एक OMR सेट पर वीडियो पहले से डाल दिया था, और मेरा डालने का उद्देश्य यह था कि आप लोग देख के ये जान लीजिए कि OMR सेट में कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि यदि OMR सेट में गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा से आपको सामना जो परिणाम आएगा उससे आपको दो हाथ करने पड़ सकते हैं। इसलिए फिर भी आप लोगों ने गलती की है, अब जो होना होगा वह आपके नसीब के ऊपर है। दूसरी बात, कुछ लोग कैटेगरी को लेकर काफी परेशान है, सर मैंने कैटेगरी में नहीं भरा। तो दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जो OMR रीडर मशीन होती है वह हमारे काले ब्लैक पेन को रीड करती है, जैसे रोल नंबर, बुकलेट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो क्वेश्चन बुकलेट का आंसर होता है, इन्हीं चीजों को रीड करती है। बाकी जो नीचे सेंटर वगैरह लिखे होते हैं वह आपके भविष्य के लिए रखे गए होते हैं। यदि कोई भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है या सिग्नेचर के मिलान होता है तो उसके लिए आपको वह चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है, ताकि यदि कोई विवाद उत्पन्न हो कभी तो आपके OMR पे आपकी फिंगरप्रिंट उठा ली जाए। जैसे कि पुलिस के 2013 वाली वैकेंसी हुआ था, वहाँ पे फिंगरप्रिंट तक उठाए गए थे, तो इसलिए उसको इस रूप में रखा जाता है। OMR केवल जो कलर गोला होता है उसको रीड करता है। रही बात कि जो जनरल थे वो ये कह रहे सर मेरा OBC में है, वो या OBC वाले जनरल में काउंटिंग होगी, तो उनको मैं बता दूं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही पूरी आपकी जो डेटा है वह आयोग के पास फीड है। जैसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालेंगे पूरा डेटा आपका खुल जाएगा, जो आपने यूपीटेट के आवेदन के समय फिलअप किया था। इसलिए आप लोग डरिए मत, यदि आप पास आउट हैं तो आप तुरंत यूपी प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए लग जाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं आप बाउंड्री लाइन के पहले हैं तो कृपया आप 9 दिसंबर के लिए सीटेट के लिए आप अपना मुख मोड़ लीजिए। और किसी भी, अभी बहुत सारे कोचिंग संस्थान ने गलत गलत आंसर की जारी की है, तो उस इसलिए मैंने नहीं जारी किया। हो सकता है कि गलती कहीं आ जाए, तो गलती होने से कहीं ना कहीं आप गुमराह भी हो जाएंगे और साथ ही एक साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे आप कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है वह कम हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप सभी लोग इंतजार करिए, शाम तक आपको सरकारी रिजल्ट पर अथवा PNP से आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी, वहां से मिला लीजिए। यदि आप क्वालिफाई है तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और अगर लक बाय चांस आप किसी तरह नहीं हो पाता है तो आप डरिएगा मत, पुनः 9 दिसंबर के लिए लग जाइएगा, क्योंकि आप लगातार मेहनत किए हैं, इसका यह परिणाम आप, क्योंकि देखिए आप लगातार पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ाई को रोकिएगा मत, लगातार प्रोसेस में रहिएगा, इसका लाभ आपको पुनः मिलेगा। और उन सभी को जो बहुत सारे अभी प्रतियोगी ऐसे हैं जिनको यह समस्या आ रही, सर ये 68,500 जाने के बाद क्या पुनः कोई नई वैकेंसी क्रिएट होगी? जी हाँ, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद सरकार जो 68,500 नियुक्ति में 40,000 हुए, 25,000 लगभग 27,000 सीटें बची हैं, हो सकता है उसको कहीं न कहीं कुछ दिन के बाद सरकार चुनाव के बाद आप सभी के लिए अग्रसित करे या उन्हें उस पद को घोषित करे। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करेगा, क्योंकि अब कंपटीशन का दौर आ गया है, और मनोबल मत गिराइए, आप लगे रहिए। आपका कहीं OMR में गलत है तो मनोबल मत तोड़िए, हो सकता है आप नसीब के धनी हो, नसीब के तेज हो सकता है आपके गेंद जो है आपके पाले में आपके झोले में गिर जाए। इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे थे, जिस रफ्तार से आप लगे थे, उसकी दोगुनी जोश के साथ आप लगिए, क्योंकि जीतना है और यह जीत आप आराम से हासिल कर सकते हैं। बस मेहनत लगन की वही जरूरत है जो अभी आप तक आपने अभी तक दिखाया, तो बस कुछ नहीं करना है, पुनः जैसे थे वैसे शुरू हो जाइए, और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरने से, क्योंकि आपको समस्या ये हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर से पूरी तरह से अगर डर जाएंगे तो आपकी मेमोरी, याददाश्त क्षमता ये सब कमजोर होगी, और कहीं ना कहीं आप अपने से ही हार मान लेंगे, और जो व्यक्ति खुद से हार मान लेगा फिर वही हाल है कि हारने से पहले यदि हम हार मान लेते हैं तो हार पक्का है। इसलिए हारते हुए भी अगर हम जीत का जज्बा रखते हैं तो कहीं ना कहीं जीत हमारे कदमों में सर झुकाएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग निडर होके लग जाइए अपने अपने मिशन के लिए, और
जो भाई बंधु यूपी टेट में लग रहा क्वालिफाई हो गए तो सीटेट की तरफ अग्रसर ना हो, सीटेट की तरफ ध्यान न दे, वो प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा की तरफ ध्यान दे, क्योंकि वहां से वो ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अपना समय बर्बाद करेंगे और आपके पास समय कम है। इसलिए आप सभी को जो भी क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आप अपनी नई उपलब्धियों को, नई मंजिलों को छुए और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आप पुनः प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए अपने अपने स्थानों पर लग जाइए और मेरे साथ, मैं भी कल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखित परीक्षा की बैच शुरू कर रहा हूं और मैं पूरे प्रदेश की सबसे बेहतर टीम के साथ आपके साथ पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। और यदि आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूँ तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। कम डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और लिंक मिल जाएगा जहां से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएंगी। फिर भी यदि किसी प्रकार कोई सहायता चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सदैव आपके साथ था, हूं और रहूंगा तब तक जब तक आपकी नियुक्ति न हो जाए, क्योंकि मैं आपके सपनों को मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए बस आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो हम आपके साथ मिलकर परिणाम देंगे और जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।